हे गाइज व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का जो टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और लेखपाल के लिए हिंदी में बात करें तो शब्द भेद, आज एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है और शब्द भेद में तत्सम तद्भव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से मिनिमम 4 प्रश्न आपके बनने हैं, 5 क्वेश्चन भी यहां से बन सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 4 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, इसलिए ये टॉपिक आपके वीडियो और लेखपाल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अच्छे से देखिएगा पूरे चीज़ को, ठीक है, पूरे कोर्स को 4-3 वीडियो में कंप्लीट करने वाला इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैं इसे 2 में भी कंप्लीट कर सकता था, इसलिए मैंने आपका ठेका ले रखा है 40 प्रश्न आपका सही कराने का एग्जाम में, इसलिए मैं इसको 3 वीडियो में कंप्लीट करूंगा। जो लास्ट तीसरा वीडियो होगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव करा देंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ हम बता देंगे, बुक से भी आप पढ़ लीजिएगा, बीच में मैं और भी तत्सम तद्भव आपको दे दूंगा, उसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, अगर जो आप मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी फॉलो करना चाहते हैं, उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मुझे डायरेक्ट अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। उस पर बात करें तो करंट में UPPSC, UPSSSC, रेलवे के कोर्स अवेलेबल है और वीडियो की क्लासेस चल रही हैं, और जल्दी ही उस पर रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी वीडियो के लिए। आप लोग बोल रहे थे रीजनिंग की क्लासेस, तो रीजनिंग की क्लासेस वीडियो के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर स्टार्ट होने वाली हैं, तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी पर, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए। तो टॉपिक जैसा कि मैंने बताया, आज आपका नया टॉपिक शुरू हो रहा है शब्द भेद। तो शब्द भेद के बारे में अच्छे से जानेंगे, अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे प्रॉब्लम ना हो। मैंने जैसा कि कहा था, इस तरीके से पढ़ना है कि दोबारा हिंदी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, पहले होता था लोग अंग्रेज़ी के पीछे भागते थे कि मुझे अंग्रेज़ी पढ़ना, अंग्रेज़ी पढ़ना है। तो एक फैक्ट आप मुझसे सुन लीजिए, किसी ने नहीं बताया होगा, अंग्रेज़ी की बात करें तो ए फॉर एप्पल से शुरू होती है और जेड फॉर जानवर बनाकर छोड़ती है। ए फॉर एप्पल से शुरू होती है और जेड फॉर जेब्रा यानी कि जानवर बनाकर छोड़ती है। लेकिन हिंदी की बात करें तो आपका आ से शुरू होती है यानी अनपढ़ होता है, ठीक है, और कहाँ पे शुरू खत्म होती है, ग पे, ज्ञा माने ज्ञानी, ठीक है। तो इसलिए हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिए, दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हर एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं शब्द भेद की। तो शब्द भेद की बात करें तो इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 4 प्रकार से किया गया है, ठीक है। तो बात करें हिंदी की, जैसा कि मैंने बताया, UPPSC, RO, ARO, UPSI, UP पुलिस, लेखपाल, वीडियो, सारे एग्जाम के लिए लगभग महत्वपूर्ण है, जो आपको नेक्स्ट देने हैं, ठीक है। तो पहले क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो 4 वर्गों में बांटा गया है शब्द भेद को। एक होता है उत्पत्ति और इतिहास के आधार पर हम बांट सकते हैं, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है उत्पत्ति एवं इतिहास के आधार पर, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से देख लेते हैं, जो क्लासिफिकेशन किया गया शब्दों का वो 4 प्रकार से किया गया, इनका क्लासिक वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया, उत्पत्ति व इतिहास के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अगर जो आप नोट्स बनाते हैं तो अभी कॉपी लेके बैठ जाइए, मैं बोलूँगा चीज़ें लिखते जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कुछ, और सबके परिभाषाएँ मैं बोलूँगा जो आपको पढ़ने लगे, एकदम सब लिखते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं उत्पत्ति व इतिहास के आधार पर। तो पहले लिख लीजिए शब्द भेद और फिर क्लासिफिकेशन में लिख दीजिए, 4 प्रकार से होती हैं, उत्पत्ति व इतिहास के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं, पहला हम देखेंगे सब उत्पत्ति व इतिहास के आधार पर किस प्रकार से शब्दों को क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो उत्पत्ति इतिहास के आधार पर आपको 5 प्रकार से मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको तत्सम, जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा था, उसके बाद तद्भव, उसके बाद संकर शब्द मिलेगा, देशज शब्द मिलेगा, विदेशज शब्द मिलेगा। सबके बारे में अच्छे से जानेंगे, अच्छे से समझेंगे, 2-2 लाइन का आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। हम मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो भूल जाए बाद में तो मुझसे मत कहिएगा, ठीक है। तो अच्छे से लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम, तद्भव, संकर, देशज और विदेशज, ये आपकी हो गई 5 प्रकार की, किसके आधार पर, उत्पत्ति और इतिहास के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम। तत्सम क्या होता है? तो हमको पता है कि पहले हमारी सबसे पुरानी जो भाषा थी वो कौन सी थी, संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत थी, ठीक है। तो संस्कृत से ही ये बने हैं। तो जैसे हम शब्द का अगर जो हम अलग अलग करते हैं, जैसे हम देखते हैं यहाँ बड़ा करके, ठीक है, जैसे नाम है हमारा, ये क्या है, तत्सम, तत्सम, इसको हम अलग अलग करते हैं या फिर विच्छेद करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, तत्सम, ठीक है, तत्सम, जिसका अर्थ है तत् समान, ठीक है, किसके समान, तत् यानी कि संस्कृत के समान, ये हो गया तत्सम, मतलब संस्कृत के समान, बस इतना याद रखिए। इसका हो गया मतलब ये हो गया, जो शब्द सीधे संस्कृत से निकलकर आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। फिर से लिख लीजिए, चलिए लिख लीजिए नोट्स में आप, जो शब्द, वे शब्द, या इस तरीके से लिख सकते हैं, वे शब्द जो सीधे सीधे संस्कृत से आकर हिंदी में प्रचलित हैं
अर्थात संस्कृत के समान है, वे हमारे क्या है, तत्सम है। तो हो गया आपका तत्सम क्लियर। आप एग्जाम्पल देखते हैं, तो अगर जो अभी भी नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से एक बार डेफिनेशन बताऊंगा और पहले एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं अग्नि, अग्नि भी हम बोलते हैं, लेकिन करंट में अगर जो अग्नि का हम तद्भव आपसे पूछे तो आप कहेंगे आग हो गया। अभी हम करंट में क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं, लेकिन पहले संस्कृत में क्या बोली जाती थी, अग्नि बोली जाती थी, ठीक है। तो अग्नि आपका क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। इसी तरह वायु आपका तत्सम शब्द हो गया, माता आपकी तत्सम शब्द हो गई, ठीक है। पिता आपका तत्सम शब्द हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे तत्सम शब्द आते हैं, जैसे आप कृषक, कृषक को भी तत्सम कह सकते हैं, कृषक अभी करंट में तद्भव किसान बोला जाता है। अग्नि हो गया आपका, नसिका बोल सकते हैं आप, कर्ण बोल सकते हैं, हस्त बोल सकते हैं, पृष्ठ बोल सकते हैं, ये आपके सीधे संस्कृत से निकल कर आज भी प्रयोग किए जाते हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए जो भी परिवर्तन हुए ना वो अपभ्रंश के कारण हुए हैं, अपभ्रंश से रिलेटेड चीज़ें मैंने किस प्रकार से परिवर्तन हुए हैं आपको पहले चैप्टर भाषा में मैंने बता दिया था, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, तत्सम आपका हो गया, डेफिनेशन आप फिर से एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए। वे शब्द जो सीधे सीधे संस्कृत से आकर हिंदी में प्रचलित हैं अर्थात संस्कृत के समान, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, कृषक, अग्नि, नसिका, कर्ण, हस्त, पृष्ठ, अग्नि, वायु, माता, पिता, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं हमारा तद्भव शब्द, ठीक है। तो अच्छे से देखिए, समझते चलिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तत्सम तद्भव याद करना पड़ेगा, बहुत सारे आपको रटना पड़ेगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं इनमें से कौन सा तत्सम है, इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है, इनमें से कौन सा तद्भव है, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है, ठीक है। अब आते हैं तद्भव पे। तो तद्भव क्या होते हैं, तो इसका सेम उल्टा, मतलब जो शब्द संस्कृत के पहले संस्कृत में बोले जाते थे लेकिन वो धीरे धीरे आके आम बोलचाल की भाषा में वो परिवर्तित होकर बदल गए हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। अब इसका तो मैंने वैसे ही बताया उस आपके समझने के लिए। अब देखिए तद्भव को एक हिसाब से हम देखें, इसको हम अलग करें, तो हमारा तत् धन भव अर्थात संस्कृत से विकृत होकर, इसको हम कह सकते हैं संस्कृत से विकृत होकर जो शब्द बने हैं उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो निकले तो संस्कृत से हैं लेकिन अपभ्रंश के कारण, जैसा कि मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा था, अपभ्रंश के कारण ही चीज़ें बदल जाती हैं धीरे धीरे आते आते। देखिए इसमें बहुत टाइम लगता है, ये नहीं है कि मतलब धीरे एक टाइम में कि ये भाषा बोली जा रही है कल वो भाषा बोली जाएगी तुरंत, ये नहीं होता, उसमें बहुत कम से कम लगभग 100 साल 200 साल का समय लगता है एक शब्द को परिवर्तित होने में, ठीक है। तो ये होता, तो इस कारण संस्कृत से जो भी शब्द थे पुरानी संस्कृत में वो बदल कर अब आज के टाइम पे दूसरे शब्द बोले जाने लगे। वही शब्द जैसे आप देखते हैं एग्जांपल में, अगर जो हम देखेंगे तो पहले हम तत्सम में हम क्या बोलते थे संस्कृत में, कर्पूर बोलते थे, क्या बोलते थे, कर्पूर बोलते थे। तो कपूर को हम धीरे धीरे क्या बोलने लगे, आज कपूर बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं। हस्त को हम क्या बोलते हैं, हाथ बोलते हैं। नसिका को हम नाक बोलते हैं। संज्ञा को, संज्ञा को साज बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका तद्भव। तो आप लिख लीजिए कॉपी में, अगर जो आप लिख रहे हैं, तो तद्भव शब्द वे शब्द या ऐसे शब्द, वे शब्द या ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में आम जनमानस से सामान्य रूप में बहुप्रचलित है, मतलब हिंदी भाषा में आम जनमानस में सामान्य रूप से बहुप्रचलित है, अर्थात इनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से हुई है लेकिन हिंदी में आते आते इनका रूप बिगड़ गया या अप्रभंसित हो गया। तो इस प्रकार से फिर से एक बार सुन लीजिए, वे शब्द या ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में आम जनमानस में सामान्य रूप से बहुप्रचलित है अर्थात इनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से हुई है लेकिन हिंदी तक आते आते इनका रूप बिगड़ गया या अप्रभंसित हो गए। तो उस कौन कौन से एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे किसान, कृषक मैंने बताया था ना, कृषक का किसान हो गया, तो किसान आपका तत्सम हो गया। आग, नाक, कान, हाथ, ये आपके तत्सम शब्द हो, सॉरी तद्भव शब्द हो गए, ठीक है। तो आपका दो चीज़ें हो गया, तत्सम हो गया, तद्भव होगा। नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, बाद में आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा, ठीक है। अगर जो किताब में नहीं समझ में आता तो यहाँ से आप पढ़ लीजिए, किताब से आप एग्जाम्पल या फिर प्रश्न कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं संकर शब्द। अब देखेंगे हम संकर शब्द क्या होता है, ठीक है। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भिन्न भिन्न स्रोतों से आगे एक शब्द बनते हैं। जैसे हम बोलते हैं रेलगाड़ी, तो हमारा रेलगाड़ी दो शब्द है, रेल धन गाड़ी, ठीक है। अब रेल की बात करें, ठीक है, रेल की बात करें तो ये हमारी अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी की बात करें तो गाड़ी हमारी हिंदी शब्द है। तो ये अंग्रेजी और हिंदी मिलके क्या बन गया, एक शब्द बन गया रेलगाड़ी। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर जो हम देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ छायादार लिखा है, तो छाया की बात करें तो ये हमारी संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द है, और दार की बात करें तो ये हमारी फारसी शब्द है। तो ये हमारा बन गया छायादार। तो इसका अगर जो डेफिनेशन देखें तो क्या होगा,
दो भिन्न भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। लिख लीजिए, दो भिन्न भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं रेलगाड़ी हो गया, रेल आपका अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी की बात करें हिंदी शब्द छायादार हो गया, छाया आपका संस्कृत है, दार फारसी है, और सील बंद लिख सकते हैं, सील आपका अंग्रेजी है, और फारसी आपका बंद फारसी है। ठीक है, हम आते हैं देशज शब्द और विदेशज शब्द। इसको अच्छे से समझिएगा, देशज शब्द क्या होते हैं और विदेशज शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो देशज की बात करें तो देखिए, देशज आम जनमानस, जैसे हम किसी भी देश में रहते हैं या फिर किसी भी प्रदेश में रहते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वहीं पे बन जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं, अपने आप निकल के आ जाते हैं, उनका कोई ये नहीं होता कि ये संस्कृत से आए, हिंदी से आए हैं, फारसी से आए हैं या फिर कहीं से आए। ठीक है, आम जनमानस में अपने आप ये हो जाते हैं। तो देशज शब्द का डेफिनेशन लिख लीजिए, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ही न चले और वे आए कहाँ से है ऐसा इसका भी पता ना हो, तो ऐसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर थैला हो गया, पेट हो गया, लोटा हो गया, तो ऐसी ये आपके कौन से शब्द हैं, देशज शब्द हैं। ठीक है, थैला, पेट, लोटा, ये आपके कौन से शब्द हैं, देशज शब्द हैं। ठीक है, तो इनका पता नहीं चलता ये कहाँ से आए हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो गया, ठेठ, पगड़ी। ठीक है, तो देशज शब्द आपका हो गया। तो देशज शब्द एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ही ना चले, वे कहाँ से आए हैं, तो ऐसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं। अब आते हैं विदेशी। तो विदेशी से बहुत सारे शब्द आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे आदमी पूछ लिया, आदमी कहाँ का शब्द है, विदेशज है, लेकिन कहाँ का है, अंग्रेजी का, फारसी का, अरबी का, और आपका रिक्शा पूछ लिया, चीनी पूछ लिया, तो ये सब आते हैं। इसलिए विदेशज और विदेशज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको कल करा लूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, देशज और विदेशज, कल का वीडियो सिर्फ देशज और विदेशज शब्दों पर होगा। ठीक है, और उसके बाद जो होगा वो आपका तत्सम, तद्भव पे मैं करा दूंगा। ठीक है, अब विदेशज की बात करें, विदेशज में क्या होता है, विदेशज में वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी की तरह हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे विदेशज शब्द हैं। जैसे विदेशी भाषाओं से आए हैं, लेकिन जैसे विदेशी थे पहले हमारे इंडिया में, आपको पता ही है, तो वे कुछ शब्द प्रयोग करते थे जिनका हिंदी में आते थे, हम लोग आए तब हिंदी में ही उसका, अंग्रेजी शब्द का हिंदी में ही प्रयोग करने लगे, ऐसे शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। लिख लीजिए, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में हिंदी की तरह प्रचलित हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, वे शब्द जो हिंदी भाषा विदेशी भाषाओं से आकर के हिंदी में हिंदी की तरह ही प्रचलित हैं हम विदेशी शब्द कहते हैं। अब एग्जाम्पल में अगर जो हम देखेंगे तो हमारा कुछ शब्द हो गया, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, स्कूटर हो गए, सब विदेशी अंग्रेजी शब्द है, ट्रेन हो गया, शर्ट, पैंट, साइकिल, ये हम आज यही शब्द बोलते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी शब्द है, हिंदी नहीं है, पुलिस, टैक्स, वेट, वोट, पेंशन। ठीक है, तो ये सब विदेशी हैं। और भी देखिए, विदेशी शब्द कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे आपके अरबी शब्द पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसको मैं कराऊंगा, अरबी विदेशी में पूछ, फारसी के शब्द कहाँ से, कौन कौन से शब्द फारसी के हैं जो हिंदी में आए हैं, प्रयोग किए जाते हैं, तुर्की, पश्तो, चीनी, जापानी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कल आपको वीडियो में करा दूंगा कौन कौन से शब्द कहाँ से आए। तो कल वाला वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपका एक क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाना है। ठीक है, देखिए यहां से तत्सम तद्भव की बात करें तो दो या तीन क्वेश्चन तत्सम, तो तत्सम तद्भव से एक क्वेश्चन आपका देशज विदेशज से बनेगा। ठीक है, और अब इधर से तो कोई गारंटी नहीं, यहाँ से कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ से, अब देखिए यहाँ से अब आगे आके देख लेते हैं, अर्थ के आधार पर देखिए, अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, पर्यायवाची पता है आपको, विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द हो गया, और अनेकार्थी मतलब आपका वो भी हो गया, एक शब्द के अनेक शब्द, वही हो गया, एकार्थी मतलब एक शब्द के एक शब्द। ठीक है, ये आपका नहीं, आगे मैं आपको बता दूंगा, इसलिए इसको अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आप ये जान लीजिए शब्दों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, उत्पत्ति इतिहास के आधार पर जिसको मैंने बता दिया, और रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और अर्थ के आधार पर। तो अभी हम देखेंगे रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया, तीन प्रकार से किया गया, कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। अभी देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा छूट गया था, ये आपका जितने भी अनुकरणात्मक शब्द होते हैं, अनुकरणात्मक, ठीक है, फिर से लिख देता हूँ मैं, अनुकरणात्मक शब्द वे क्या होते हैं, अनुकरणात्मक शब्द आपके सारे आपके देशज होते हैं, देशज होते हैं। ठीक है, एग्जाम में आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अनुकरणात्मक शब्द सारे क्या होते हैं, देशज होते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये अनुकरणात्मक शब्द क्या होता है, चलिए देख लेते हैं क्या होता है अनुकरणात्मक शब्द। आप लिख लीजिए कि कुछ अनुकरणात्मक शब्द, एक हेडिंग डाल लीजिए आप कॉपी में आपके अपने, अनुकरणात्मक शब्द पहले लिख लीजिए, उसके बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें
कुछ सारे लिखे वे शब्द जिससे एक जैसी ध्वनि या समान ध्वनि रिपीट होती है अनुकरणात्मक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिससे एक जैसी ध्वनि या समान ध्वनि रिपीट होती है अनुकरणात्मक शब्द कहलाते हैं। और सारे अनुकरणात्मक शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, देशज होते हैं। ये लिख लिया। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से शब्द जैसे रिपीट होते हैं, अपने एक जैसी ध्वनि समान ध्वनि आती है। जैसे आप देखेंगे खटखटाना, ठीक है, खटखटाना अनुकरणात्मक शब्द है। अब आपके समझ में आ गया और क्या चीज़ें हैं। जैसे हो गया चिड़ियों का चहचहाना हो गया, चहचहाना ये भी आपका अनुकरणात्मक शब्द हो गया। और आपका हो गया हिनहिनाना, ठीक है, हिनहिनाना ये आपका हो गया अनुकरणात्मक। तो लिख लीजिए एग्जांपल में चहचहाना, खटखटाना, हिनहिनाना। इस प्रकार से जो भी शब्द होते हैं जिसमें क्या होता है एक जैसी ध्वनि या समान ध्वनि रिपीट होती है वो आपके अनुकरणात्मक शब्द होते हैं। ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारे अनुकरणात्मक शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, देशज होते हैं। ठीक है, देशज होते हैं। सारे अनुकरणात्मक शब्द क्या होते हैं, देशज होते हैं या देशी होते हैं। अब चलिए रचना के आधार पर देखते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो अच्छे से देखेंगे इसको। ये भी एग्जाम में आते हैं इसलिए ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रूढ़ शब्द की। ठीक है, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं वह शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते। बस याद रखिए, रूढ़ मतलब एकदम अड़े हुए हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता, अलग करने पे उनका कोई मतलब नहीं निकलता, तो वे रूढ़ होते हैं। रूढ़ जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि इनके अलग खंड नहीं किए जा सकते, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं इनके जैसे एग्जाम्पल देखेंगे। अभी आपके अगर जो समझ में नहीं आया होगा तो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो अगर जो हम देखेंगे रूढ़ कैसे हो, कैसे हम ले लेते हैं कलम, तो आप कलंक कलम को किसी तरीके से अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए करते भी हैं तो किस प्रकार से आप करेंगे, क धन ल धन म, इसमें किसी का सार्थक खंड बना, कोई किसी से कोई शब्द निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रूढ़ हो गया आपका। तो और भी एग्जांपल ऐसे देख लें, मेज देख लेते हैं, मेज का भी कोई सार्थक खंड नहीं हो सकता, चावल हो गया और आपका पुस्तक हो गया, तो इन सब के सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे हम लिखते हैं राजपुत्र, हम लिख देते हैं राजपुत्र, तो इस पे अगर जो हम अलग करेंगे तो हम राज अलग कर सकते हैं, धन पुत्र अलग कर सकते हैं, दोनों के अलग अलग खंड है, मतलब है, राज का राज नाम हो गया, पुत्र का पुत्र नाम मतलब है ना, तो ये आपका रूढ़ नहीं है। ठीक है, तो रूढ़ मतलब ये हो गया, लिख लीजिए रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते, क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और लिखने के लिए देखिए वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हैं, जो तेज बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए रूढ़ में एग्जाम्पल लिख लीजिए, पुस्तक हो गया, कलम हो गया, चीनी मेज हो गया, चावल हो गया, तो ये सब आपके कौन से शब्द हैं, रूढ़ शब्द हैं। और भी एग्जांपल होते हैं, ठीक है, और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं घोड़ा, दिन, घर, मुंह। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द देखते हैं, यौगिक शब्द क्या होता है, यौगिक मतलब वे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, तो रूढ़ में सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, यौगिक नाम से स्पष्ट है, दो यौगिक जोड़ है, मतलब जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। अब यौगिक में क्या होता है, इसका एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो विद्यालय, विद्यालय हम देख रहे हैं, तो विद्यालय का जो हम अलग अलग करेंगे तो विद्या धन आलय, तो हमारा सार्थक खंड हुआ ना, अलग अलग मतलब निकाल के आ रहा ना, तो ये हमारा क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। और हम देखेंगे तो पुस्तकालय हो गया, हवा महल हो गया, राजपुत्र हो गया, और भी बहुत शब्द जैसे आपका विज्ञान हो गया और सामाजिक हो गया, तो ये सब आपके कौन से शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं, क्योंकि इनका डेफिनेशन लिख लीजिए, वे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं, विद्यालय, पुस्तकालय, राजमहल, पुत्र, राजपुत्र। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और टॉपिक बचा है आपका योगरूढ़। योगरूढ़ क्या है, ये एकदम जैसे बाहुब्री समास होता है, बाहुब्री समास तो अभी पढ़ाया नहीं है तो आगे पढ़ाऊंगा तो वो चीज़ वहाँ समझ में आ जाएगी क्लियर, लेकिन बाहुब्री समास की तरह एकदम सेम होता है योगरूढ़। तो योगरूढ़ में क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं अच्छे से योगरूढ़ के बारे में। ठीक है, तो योगरूढ़ हमारे वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर तो बनते हैं लेकिन किंतु अपना जो सामान्य अर्थ होता है वो छोड़कर किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से इसको हम देखेंगे, जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल दो लिखा है, पीताम्बर और दशानन, तो पीताम्बर का हम अगर जो अलग करेंगे तो पीत धन अम्बर होगा, होगा कि नहीं, पीताम्बर को अलग करेंगे तो पीत धन अम्बर, तो पीत मतलब पीला, अम्बर माने वस्त्र। ठीक है, तो पीताम्बर पीत धन अम्बर का हो गया पीला वस्त्र, लेकिन क्या ये पीला वस्त्र है इसका मतलब, नहीं, पीताम्बर का मतलब पीला वस्त्र नहीं है। क्या है हमारा, पीताम्बर का अर्थ है यहाँ पे श्री कृष्ण से होता है, किससे होता है, श्री कृष्ण से होता है। इसी प्रकार और एग्जांपल हम देखेंगे, दशानन, दशानन मतलब हो गया इसको अलग करेंगे दस, आनन मतलब दस है जिसके आनन हो गया, दस है जिसके आनन, लेकिन यहाँ पे दस आनन का मतलब क्या है, रावण है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वे शब्द जो दो अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं किंतु
सामान्य छोड़कर किसी विशेष अर्थ की ओर इशारा कर रहे हैं वे क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके और भी एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। पीताम्बर हो गया, दशानन हो गया, लंबोदर हो गया, मुरलीधर हो गया, गिरधर हो गया, पंकज हो गया, जितने भी बाहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल आते हैं आपके सारे योग रूढ़ में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ आगे चलते हैं। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द होते हैं अविकारी। विकारी में आपके संज्ञा सर्वनाम क्रिया आते हैं, अविकारी में विशेषण संबोधन विस्मय। इसके बारे में आगे आपको पढ़ाया जाएगा, इसका पूरा एक चैप्टर ही है, दो पार्ट में होगा आपका चलेगा, तो इसलिए इसको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये शब्द आपका तत्सम तद्भव आपको यहाँ पे आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये भी आगे आपको मिलेगा अलग अलग चैप्टर, ये भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अभी कुछ हम तत्सम तद्भव बता देते हैं इम्पोर्टेंट। तो देख लीजिए, एक तरफ मैंने तत्सम लिखा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक तरफ मैंने तत्सम लिखा, एक तरफ मैंने तद्भव लिखा है। तो तत्सम पहले देखेंगे, तत्सम मतलब संस्कृत के समान, और एक तरफ तद्भव मतलब संस्कृत से अलग होगा। पहले अनर्थ देखिए, अनर्थ का आपका तत्सम हो गया, तद्भव हो गया अनर्थ, अज्ञान का अजान, अश्रु का आंसू। तो देखिए ये संस्कृत के शब्द हैं, ये आपके संस्कृत से अप्रभंशित होकर जो आम बोलचाल की भाषा में आज बोले जाते हैं। अग्नि की बात करें, आज हो गया आग बोला जाता है। अंगुष्ठ का तद्भव अंगूठा, आलू का तद्भव आलू, उच्च का ऊंचा, ओष्ठ का ओठ, कूप का कुआ, कर्पूर का कपूर, कंकन का हो गया कंगन, कंदली का केला, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्षी का आँख, उलूक का उल्लू, कपोत का कबूतर, पिपासा का प्यासा, राजपुत्र का राजपूत, लवंग का लौंग, लोहा का लोहा, स्मरण का सुमिरन, स्वर्णकार का सुनार, स्वसुर का ससुर, मास का महीना। मात्राओं पे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट सारे आए हुए हैं। ठीक है, गृह का घर, कोष्ठ का कोठा, कथावत का कहावत, कुकुर का कुत्ता, घोटक का घोड़ा, ग्रामीण का गवार, मास का महीना, स्वसुर का ससुर, स्वर्णकार का सुनार। तो आगे भी मैंने बता दिया, तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मैं जैसा कि मैंने कहा, आप मेरा हर वीडियो देखते रहिए और नोट्स पढ़ते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। और गारंटी मैं लेता हूँ, वीडियो के एग्जाम में 40 प्लस क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। तो चलिए, तत्सम तद्भव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको तीन वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। पहले पार्ट में मैंने बता दिया टोटल चीज़ें, तत्सम तद्भव क्या होता है, देशज विदेश सारे शब्द भेद भी जो भी चीज़ें आती हैं सबको सबका क्लासिफिकेशन बताया था, कौन कौन में क्या चीज़ें आती है सबको बता दिया था, और उसमें देशज और विदेशज शब्द बताया था, आपको याद होगा। तो आपने अगर जो अभी तक पढ़ा नहीं है तो जाके लास्ट वीडियो देख लीजिए हिंदी का, तो वो चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक जो पार्ट वन था शब्द भेद का, उसमें मैंने तत्सम तद्भव बता दिए थे। कल वाला वीडियो होगा जो पार्ट थ्री, उसमें मैं तत्सम तद्भव कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा। और अभी बात करते हैं कुछ अधिक जो विदेशी शब्द आए हैं भारत में। विदेशी शब्द देखिए, अगर जो हम कहें विदेशी शब्द की बात करें जो भारत में है, तो उसमें ये होता है कि जो कुछ ऐसे शब्द जो बाहर से आके अपने भारत में उसी तरह प्रयोग किए जाने लगे, उसमें कोई अपभ्रंश से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत सारे हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप ले लीजिए और अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। ठीक है, तो पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए विदेशज शब्द देखिए, जैसा कि फिर से यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, कल मैंने आपको कराया था, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आ करके हिंदी में हिंदी की तरह ही प्रचलित हो गए। जैसे बात करें पुलिस की, तो पुलिस अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हिंदी में पुलिस ही बोला जाता है। ठीक है, अभी देखिए चलिए कुछ शब्द देख लेते हैं कौन कौन से देश से आके अपने हिंदी में हिंदी की तरह बोले जाते हैं। तो सबसे पहले हम फारसी देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, और ज़्यादा अगर जो आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं ये पीडीएफ भेज दे रहा हूँ, उसमें आपको बहुत सारे देशज विदेशज शब्द मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले बात करें विदेशज में, फारसी की बात करें, देखिए फारसी से कौन कौन से इंपॉर्टेंट शब्द आते हैं। चश्मा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में चश्मा आपका फारसी शब्द है। जमींदार, दुकान, नमक, बीमार, बर्फ, गंदगी और आदमी, ये आपके कौन से शब्द हैं, फारसी शब्द हैं। अब अरबी की बात करें तो अरबी में देखिए अमीर, औलाद, कत्ल, कानून, औरत, कैदी, मालिक, रिश्वत, गरीब, वकील, ये आपके अरबी के शब्द। एक प्रश्न 100% आपका यहाँ से आना है। ठीक है, और ये मैं इम्पोर्टेंट वाला करा दे रहा हूँ जो पूछा हुआ है अब तक के एग्जाम में, और आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, तुर्की की बात करें कैची, चाकू कई बार आया, तोप हो गया, तलाश, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर, ये आपकी तुर्की शब्द है, तुर्की से आई हैं, हिंदी में बोली जाती हैं। पुर्तगाली की बात करें तो आलपीन, गमला, कारतूस, चाभी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू,
आदि और संतरा, तो ये सारे हो गए आपके पुर्तगाली शब्द जो पुर्तगाल से आके भारत में हिंदी की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं। फ्रांसीसी की बात करें, फ्रांसीसी देखें रिपोर्ट हो गया, पुलिस हो गया, कार्टून हो गया, इंजीनियर हो गया, कर्फ्यू हो गई, आपके फ्रांसीसी शब्द हैं। चीनी की बात करें, चीन से आपके देखें चूफान, लीची, चाय, पटाखा, ये आपके चीनी से आया था, मतलब चीन से आया था, चाइना से आया था। जापानी से रिक्शा, कई बार एग्जाम में आए हुए जापानी से, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ज़रूरत पड़ेगी सर हमको ये सब शब्द कहाँ से मिलेंगे, तो देखिए ये कुछ शब्द मैंने अत्यंत प्रचलित शब्द ये लिख दिए हैं, फ्रांसीसी, डच, रूसी, चीनी, ये आपके कम आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए दें, ये पूरा पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में अभी तुरंत भेज दे रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ से जाइए डाउनलोड करिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए अरबी शब्द इतने सारे दिए हैं, औरत, आदमी, सब कुछ दिया गया, ठीक है। अब फारसी शब्द इतने सारे दिए गए हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए, और अंग्रेजी शब्द इतने सारे दिए गए हैं, अंग्रेजी आप आसानी से पहचान लेंगे, बस एक बार पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद कुछ और अन्य वर्ग के प्रचलित, जैसे तुर्की हो गया, पश्तो हो गया, पुर्तगाली हो गया, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और चलिए ये वीडियो आज छोटा है, कोई आराम से पढ़िएगा, ठीक है। कल आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव करवा के ये चैप्टर आपका कंप्लीट करूँगा। और देखिए एकदम धैर्य रखिए, बनाए रखिए, और लास्ट में जैसा कि मैंने कहा था बहुत सारे प्रश्न आपके प्रैक्टिस कराए जाएंगे और तभी आप 40 प्लस क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी ये वीडियो एक खत्म करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों, जय भारत। तो आज का ये वीडियो UP SSSC वीडियो लेखपाल के लिए हिंदी का शब्द भेद का जो टॉपिक चल रहा था और उसमें हम तत्सम तद्भव बताने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव बताएंगे। देखिए ऐसे तत्सम तद्भव हम आप इसको इस वीडियो में बताएंगे जो आपके बुक्स में भी नहीं मिलेंगे और जो बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट के एग्जामों में इसी टाइप के तत्सम तद्भव पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सिंपल जो तत्सम तद्भव वो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था, आप बुक से भी करते रहें, जो चीज़ें पढ़ाऊँ उसके प्रश्न के जो प्रैक्टिस होते हैं वो आप बुक से भी करते रहें तो अच्छा रहेगा। तो आप देखिए मैंने बताया था यहाँ से चार प्रश्न आपके आएंगे UP SSSC वीडियो के एग्जाम में, तो कन्फर्म आपके यहाँ से जो मैं तत्सम तद्भव कराऊंगा दो प्रश्न आपके तत्सम तद्भव से आएंगे, एक सब एक प्रश्न आपके देशज और विदेशा शब्द, जो मैंने विदेशा शब्द बताया था लास्ट वीडियो में, वहाँ से आएंगे, और एक प्रश्न और भी बन सकते हैं, तो अगर तीन प्रश्न 100% यहाँ से कन्फर्म है। तो चलिए चलते हैं आगे, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके देखिए इस साइड मैंने तद्भव लिखा है, ठीक है, जो शब्द विकृत होके बने हैं, और इस तरफ मैंने तत्सम लिखा। तत्सम आपको पता है संस्कृत से निकल के हिंदी में संस्कृत उसी तरह से प्रयोग होने लगे, उसमें कोई प्रभाव नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। तद्भव मतलब हो गया संस्कृत के शब्द थे लेकिन हिंदी में आते आते थोड़े से परिवर्तित होके वो प्रयोग किए जाने लगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहला हमारा जो आज का तत्सम, एक तरफ मैंने तत्सम लिखा, एक तरफ तद्भव, ठीक है। तो पहले मैं इधर का बोलूँगा, तत्सम ही बोलूँगा, तब आपका तद्भव बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि तत्सम आया था पहले तो उसके बाद तद्भव आया था, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला हमारा है भागने, ठीक है, ये भागने है, ध्यान रखिएगा, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो भागने का हो गया भांजे। नेक्स्ट है भातृव्य क्या हो गया, भतीजा। ये भागने है, ये भातृत्व है, भागने का भवानजे, भातृत्व का भतीजा। अब देखिए भात्र आर्या भाभी, स्वसुर का ससुर, देखिए स्वसुर किस तरह से लिखा गया है, मात्राओं पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। स्वसा का सार, दुर्लभ का दूल्हा, ध्यान रखिएगा दुर्लभ प्राणी बोलते हैं ना, तो दुर्लभ को ही दूल्हा बोलते हैं। दीवर का देवर, एक तरफ से अगर जो शब्दों को पहचान के याद करेंगे तो चीज़ें याद करना याद नहीं हो सकती ये सब, लेकिन समझ लें, एक बार आप समझ लेंगे ना तो फिर भूलेगा भी नहीं, ठीक है, इसलिए माइंड में सेट करने की कोशिश करिए। तो ज्येष्ठ का देखिए ज्येष्ठ बोलते थे ना पहले, लेकिन अभी हम अपने मुँह सुख के लिए हम जेठ बोलने लगे। सारी चीज़ें जो भी तत्सम तद्भव में हुई ना, तद्भव बनी है वो मुख सुख के लिए ही बनी है, हम लोग अपने मुख को आराम देने के लिए चीज़ों को उल्टे सीधे आराम जितना ही सिंपल हो सकता है हम लोग सिंपल कर ले, जैसे स्टेशन को हम लोग टेशन बोलने लगे, ठीक है। तो अभी देखिए स्यालिका को क्या बोलते हैं, साली बोलते हैं। कुकुर को, कुकुर हमारा तद्भव शब्द है, सॉरी तत्सम शब्द है, कुत्ता बोलते हैं तद्भव में। बलिवर्द को बैल, महिष को भैंसा। घोटक हमारा देखिए तत्सम शब्द है, घोड़ा हमारा तद्भव है। हरिण का हिरण, हरिण हमारा हो गया तत्सम शब्द और हिरण हमारा हो गया तद्भव शब्द। शार्दुल का शेर, शार्दुल हमारा तत्सम है और शेर हमारा तद्भव शब्द है। व्याघ्र का बाघ हो गया, हस्त का हाथी हो गया, वानर का बंदर हो गया, भ्रमर का भवरा हो गया, ठीक है, भ्रमर का भवरा हो गया, भवरा हमारा भ्रमर करता रहे ना, तो भ्रमर का हमारा भवरा, भ्रमर हमारा तत्सम हो गया, भवरा हमारा तद्भव हो गया। श्रृंगाल का सियार बोलते हैं, श्रृंगाल ध्यान रखिए श्रृंगाल का होता है सियार।
आगे चलते हैं कुछ और तत्सम तद्भव, जैसे मस्तक को हम माथा बोलने लगे, भ्रु को भौंहा बोलने लगे, अक्ष को आँख बोलने लगे, हस्त को हाथ बोलने लगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं। मुख को हम मुँह बोलने लगे, जिह्वा को जीभ बोलने लगे, नसिका को नाक, समश्रु को मूछ, ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में समश्रु माँ का मूछ होता है, अश्रु का आंसू, स्कंद का कंधा, अंगुष्ठ का अंगूठा, आंत्र का आंत हो गया, प्रश्विन का पसीना, एकदम रट डालिए, सबको याद कर डालिए, ठीक है, छोड़िएगा नहीं एकदम, पृष्ठ का पीठ, पाद का पाव या पैर, मात्र का माँ, अम्ब का अम्मा, पितृ का पिता, मात्र सस्व का मौसी, भ्रातृ का भाई और भागिनी का बहिन, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और है आगे, ठीक है। लाल का रक्तिम, उज्ज्वला का, सॉरी रक्तिम, देखिए रक्तिम हमारा तत्सम है और लाल इसका तद्भव हो गया। उज्ज्वल हमारा तत्सम है, उज्ज्वल का तद्भव उज्ज्वला, श्वेत का तद्भव सफ़ेद, हरित का हो गया वेर, क्या इसको छोड़ दीजिए, ये गलत हो गया है, ठीक है, ये गलत है, इसका कुछ नहीं है। दक्षिण का दाहिना, दृष्टिका, देखिए दृष्टिका आपकी ये है, दृष्टिका है, ट्रिका, ठीक है, ये आपका तत्सम है और इसका तद्भव हो गया दाढ़ी। कुक्ष का कोक हो गया। अब आते हैं आगे, कृष्ण का कृष्ण, जैसे कृष्ण काले हैं ना तो काला हो गया, गौर का गोरा, पीत का पीला, गौरिक का गेरुआ, बाम का बाया, नख का नाखून और अस्थि का हड्डी, रोम का रोए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम और तद्भव। इस तरफ देखिए ध्यान रखिएगा, ये हमारा तत्सम इधर वाला, ये हमारा तद्भव, ये तत्सम है, ये तद्भव, ठीक है। तो और पढ़ने के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, बुक्स उठाइए, उसमें बहुत सारे तत्सम तद्भव मिल जाएंगे, पढ़ डालिए, संडे में आपका टेस्ट होगा, बहुत सारे तत्सम तद्भव मैं पूछूंगा। तो चलिए अभी इस वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं वीडियो छोटा बनाते हैं, कोई मतलब नहीं वीडियो छोटा का, मैं कहता हूँ अगर जो मैं 15 मिनट पढ़ाता हूँ तो आपको आधे घंटे एक घंटे अपने बुक से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, यानी कि एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आज थोड़ा वीडियो लेट हो गया तो इसके लिए सॉरी।